नमस्कार, आपका स्वागत है। और मैथ्स में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। जो पहला चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है संख्या पद्धति, उसकी एक सीट आपको दी गई थी। उसी सीट का सॉल्यूशन जो है हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। जैसे कि यहाँ पे आपका जो पहला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखने की आवश्यकता है। संख्या जो सॉल्यूशन हमारा है, सॉल्यूशन फर्स्ट, संख्या 98 753 में 9 के स्थानीय मान और जाति मान में क्या अंतर है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 9 का स्थानीय मान जो है वो आपका 90,000 है, ठीक है। और 9 का जातीय मान, जातीय मान या अंकीय मान, याद रखिएगा बच्चों, जातीय मान के बारे में बात करेंगे या अंकीय मान के बारे में बात करेंगे, ये दोनों एक ही बात होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ देखिए, 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा आपका 8, सॉरी, यहाँ बचेगा आपका 9 और यहाँ बचेगा आपका 8, यानी इसका सही उत्तर है 89,991, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो है 89,991। तो इसका आपका पहला आंसर, यानी ये वाला आंसर आपका क्या है, सही है। अब ये तो पहला हो गया। अब इसी का दूसरा देखिएगा, दूसरा पार्ट, 5,970 में 9 के स्थानीय मान और जातीय मान का योगफल है। तो 9 का स्थानीय मान यहाँ पर देखिए कितना है, 900, और 9 का जातीय मान या अंकीय मान कितना है, 9 है। तो आप जोड़ेंगे तो कितना होगा, 909, ठीक है। आपका उत्तर इसमें कौन सा वाला सही है, 909। फिर देखिएगा यहाँ पे तीसरा जो क्वेश्चन है, 24,347 में 4 के दोनों स्थानीय मानों का अंतर कितना है। तो 24,347 के बारे में जब आप बात करेंगे तो आप देखिए कि यहाँ पे दो चार आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें से पहले वाले का स्थानीय मान है 40 और दूसरे वाले का स्थानीय मान क्या है, 4। 4 के आगे 3 अंक है, 3, 4, 7, तो कितने जीरो बढ़ा देंगे, इसमें 3 जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। आपको पता है स्थानीय मान निकालने के लिए जितने शून्य की कमी होती है उतना हम उसमें क्या करते हैं, आगे उसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो अंतर निकालना है तो आप यहाँ पे अंतर निकालिएगा, 4,000 में से 40 को अगर माइनस करेंगे शून्य, 10 में से 4 जाएगा कितना होगा, 6, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 3, 3,960। कौन सा ऑप्शन आपका सही है भाई, तीसरा ऑप्शन आपका सही। चौथा देखिएगा, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल, तो एक बात याद रखिएगा, अगर हमको कोई भी क्रमागत अंकों का योगफल निकालना है, क्रमागत न भी हो तो क्रमागत अंकों का अगर हमको योगफल निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। लेकिन क्रमागत संपद या विषम पद का अगर हमको योगफल निकालना है तो हमको किसी भी तरीके से उसका पहला पद या सॉरी पदों की संख्या पता होनी चाहिए, यानी हमको पता चल जाए कि उसमें कुल कितने पद हैं, पदों की संख्या बटा दो अगुणे पहला पद और प्लस अंतिम पद। ये किसी भी तरह के सवालों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, 10 विषम संख्याओं का योगफल निकालना है, तो पहला विषम संख्या 1 है, दूसरा 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर आप ऐसे बढ़ते चले जाएंगे तो कुल कितने अंक आपके होंगे, 1, 3, 5, 7, फिर आपका 9 है, फिर आपका 11 है, फिर 13 है, फिर आपका 15 है, फिर 17 है, फिर आपका 19 है, कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये सब विषम पद है, तो इसमें कुल कितने पद हैं आपके, 10। तो देखिएगा यहाँ फॉर्मूला हमारा क्या है, क्रमागत न हो, देखिएगा यहाँ मैंने क्रमागत शब्द लिखा, क्रमागत सम लिखा है, ठीक है। तो ये क्रमागत विषम पद है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19, कुल कितने हैं, 10 हैं। तो पदों की संख्या 10/2 गुणे पहला पद हमारा कितना है, 1 है, और अंतिम पद हमारा कितना है, वो है आपका 19। तो जोड़ दीजिए, 19 में 1 जोड़े कितना होगा, 20, और बटा 2, 2 दहा में 20, कितना हो जाएगा आपका, 10 दहा में 100, यानी कि हमारा यहाँ जो सही उत्तर है वो कितना है आपका, 100 है, ठीक है।
अच्छा, इसमें और भी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, तो इस तरह से आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। प्रथम पांच अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? तो पहली बात आप देखिएगा, ये जो पांचवा प्रश्न है, पहली अभाज्य संख्या कौन होती है? अक्सर हमारे इस मन इसलिए हमारे मन में हमेशा कंफ्यूजन होता है। तो पहली अभाज्य संख्या या सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक, या सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। अगर इन सबके बारे में अगर हम बात करेंगे तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या या सबसे छोटी अभाज्य संख्या या सबसे पहली अभाज्य संख्या, ठीक है। और एक चीज और देखिएगा, सबसे छोटी ऋणेत्तर ऋणेत्तर अभाज्य संख्या। ऋणेत्तर का मतलब नेगेटिव नहीं, ऋणात्मक नहीं। तो सबसे छोटी ऋणेत्तर अभाज्य संख्या भी हमारी क्या है? दो है, ठीक। तो प्रथम पांच अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? देखिएगा, पहली अभाज्य संख्या होगी दो, फिर अगली होगी तीन, फिर हो गया पांच, फिर हो गया सात। याद रखिएगा, नौ एक अभाज्य संख्या नहीं है। अगली अभाज्य संख्या क्या है? ग्यारह है। तो सबको जोड़ लीजिए, तीन और दो पांच, पांच पांच दस, दस सत्रह, और सत्रह में ग्यारह जोड़ देंगे तो सत्ताईस, और कितना हो जाएगा? अट्ठाईस हो जाएगा। यानी सही उत्तर आपका कौन सा है? अट्ठाईस वाला है, ठीक है। चलिए अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आपका सिक्स देखते हैं। 12,000, 1200 एवं 12 बराबर है। तो चलिए, 12,000 ये हो गया धन, 1200, 1200 ये हो गया, और धन 12। तो अब तीनों को जोड़े देने जोड़िए, 12,000 हो गया, 1200 हो गया, और 12। तो दो एक दो, और दो एक तीन एक, कितना हो जाएगा? एक तीन दो एक दो। कौन सा उत्तर आपका सही है? उत्तर नंबर आपका छह सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं। तीन अंकों की बड़ी से बड़ी, तो याद रखना, अगर हमको बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है तीन अंकों की, तो तीन अंकों की बड़ी संख्या कौन सी होगी? अगर तीन अंक है तो तीन ठो नौ लिखेंगे, चार अंक है तो चार ठो नौ लिखेंगे, पांच अंक है तो पांच ठो नौ लिखेंगे, अगर बड़ी संख्या के बारे में बात करेगा। और उसी तरह से तीन अंकों की छोटी संख्या क्या होगा? तो एक लिखेंगे, और जितने अंकों की कहेगा, ठीक है, उससे एक कम जीरो बढ़ाएंगे। जैसे तीन अंकों की कह रहा है तो हमने एक लिखा और दो ठो जीरो बढ़ा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है आपका तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई, और ये नीचे वाला तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या, दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना होगा? नौ 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 एक दस, कितना होगा? 1099। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बी वाला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आठ देखिए बच्चों, चार पांच छ सात व एक से बने, देखिएगा, चार पांच छ सात और एक, इतने अंक आपके दिए गए हैं, ठीक है। अभी मैं इसमें एक और उदाहरण आपको जोड़ के बताऊंगा। तो इनसे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो सबसे बड़ा अंक सबसे पहले लिखिए छ, सबसे पहला अंक सात, माफ करिएगा, उसके बाद छ, फिर पांच, फिर चार, फिर एक। यानी कि संख्याओं के घटते क्रम में जब लिखेंगे तो वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, और इसमें शून्य नहीं है तो इसे चिंता की बात नहीं है। अब क्या करिए, इसमें इसी को उलट के लिख दीजिए, एक चार पांच छ सात, इस तरह से ऊपर वाली संख्या ये जो है सबसे बड़ी हो गई, और नीचे वाली संख्या सबसे छोटी हो गई। अब इसको माइनस कर सकते हैं, ग्यारह में से सात जाए कितना होगा? चार बचेगा। यहाँ पे एक हासिल लिया तो तीन बचा, तेरह में से छह जाए कितना होगा? तेरह में से छह घटाएंगे तो कितना होगा बताइए? तेरह में से आप छह घटाएंगे तो कितना होगा? सात होगा, माफ करिएगा। ठीक है, एक हासिल किया, चौदह में से पांच जाए, यहाँ कितना बचेगा? नौ, पांच में से चार जाए एक, और सात में से ये कितना होगा? छह, छह एक नौ सात चार। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा है। अब देखो बच्चों, जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास ये दिया होता तीन पांच शून्य और नौ,
से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। तो बड़ी वाले में तो दिक्कत नहीं है, हम सबसे बड़ा लिखे 9, उसके बाद से 5, उसके बाद से 3, फिर हमने लिखा 0। लेकिन छोटी वाले में प्रॉब्लम है बच्चों। देखो, हम जब दिए गए अंकों से कोई संख्या बनाते हैं तो पहले स्थान पर शून्य नहीं रख सकते। अगर मान लीजिए आपने पहले स्थान पर शून्य रख दिया, फिर लिखा आपने क्या 3, फिर लिखा आपने 5, फिर 9, तो ये अंक अभी 4 अंकों की नहीं है, ये कितने अंकों की हो गई, 3 अंकों की हो गई। यानी कि हमको दिए गए थे 4 अंक और हमने उनसे बनाया 3 अंकों की संख्या, लेकिन जबकि हमको बनाना कितनी अंकों की संख्या है, 4 अंकों की संख्या बनानी है। तो इस नाते हम इस समस्या का समाधान करने के लिए क्या करते हैं कि हम पहले स्थान पर सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर लिखते हैं, यानी कि कौन लिखेंगे, 3 लिखेंगे, फिर उसके बाद से शून्य को रखते हैं, यानी शून्य को पहले स्थान पर न रख करके शून्य को दूसरे स्थान पर रखा जाता है। तो 3 हो गया, 0 हो गया, 5 हो गया और 9 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर क्या 101 और गुणे 125 का मान कितना है, तो देखिएगा बहुत तो बहुत आसान सा सवाल है। 101 को क्या लिख सकते हैं, 100 धन 1 लिख सकते हैं, अगुणे 225, ये पहला वाला ऑप्शन सही है, ये मौखिक क्वेश्चन है, ठीक है। दसवां देखिएगा, 61 गुणे 62 गुणे 63 गुणे 64 गुणे 65 गुणे 66, 61 गुणे 62 गुणे 63 गुणे 64 गुणे 65 गुणे 66 में इकाई का अंक क्या होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, इसका सिंपल सा तरीका है, अगर कुछ अंक दिए गए हैं जिसमें किसी भी एक अंक का इकाई का अंक क्या है, सम हो, ठीक, और उसमें कोई एक अंक ऐसा हो जिसमें 5 आए, क्या है, 5 आए, तो ऐसे जितनी भी संख्या होंगी सबका गुणा करेंगे तो उनके गुणनफल में इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, शून्य होगा, क्या होगा, शून्य होगा। तो कैसे हमने बताया कि अगर बहुत सारी संख्याएं दी गई हैं उसमें कोई भी एक अंक ऐसा हो, जैसे यहाँ 62 भी है, 64 भी है, 66 भी है, इन सभी का इकाई का अंक सम संख्या है, लेकिन इसमें 65 को जब देखेंगे तो इसका इकाई का अंक कितना है, 5 है। तो जब भी किसी सम संख्या और 5 वाले अंक वाले का गुणा करते हैं तो उसमें इकाई का हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। या दूसरा तरीका इसका क्या है कि 61 गुणे 62 गुणे 63 गुणे 64 गुणे 65 गुणे 66 में लिखा, 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 2 होगा, फिर 2 का 3 में गुणा करेंगे कितना होगा, 6 होगा इकाई का अंक, 6 का 4 में करेंगे कितना हो गया, 24, यानी अब इकाई का अंक क्या आ गया, 4 आ गया, फिर इस 4 का 5 में गुणा करेंगे तो 4 × 5 = 20, इकाई का अंक क्या आ गया, 0 आ गया, फिर 0 का 6 में गुणा करेंगे तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप उसका निर्धारण कर सकते, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 10,000, तो देखो हमने लिख दिया 10,000, 1000 हमने लिख दिया, 1000, 10 हमने लिख दिया, 10 दहाई, देखिएगा यहाँ शब्द क्या है, 10 दहाई, इसके पहले वाला क्वेश्चन भी एक बार देख लेते हैं, 12 है, ठीक है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन फंसाया है, 10 दहाई यानी कि 10 ठू दहाई है, तो उसका मान कितना होगा, 10 गुणे 10 यानी कि 100 होगा, समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन फंसा रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 दहाई तो 10 गुणे 10 यानी कितना होगा आपका, 100 होगा, तो हम यहाँ पे 100 मान रखेंगे, तो 0 0 1 1 1 यानी कितना इसका वैल्यू हो जाएगा, 11 111 000 000, यानी इसका बी वाला मान क्या होगा आपका, सही है। फिर 12 देखिएगा, 12,112 को 11 से, ठीक, और 13,223 को 13 से भाग देने पर, तो 12,112 को आप 11 से भाग दीजिए, और फिर क्या कर रहा है, 13,223 को आप 13 से भाग दीजिए, दोनों से भाग देने पर, ठीक है, जितना शेषफल बचेगा उसका हमको योगफल निकालना है, क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तो चलो देखते हैं, तो तरीका हो गया भाग दे करके देखें, 11 × 11, यहाँ 1 बचा, ठीक, 11 × 11 कट गया, फिर 1 यहाँ उतारेंगे भाग नहीं जाएगा तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर 12 हो जाएगा, 11 × 11 यहाँ कितना बच गया, 1 बच गया, ठीक। फिर यहाँ देखिए 13 है, तो 13 एकम
13 कट गया, फिर दो उतारेंगे भाग नहीं जाएगा, जीरो बढ़ाएंगे फिर दो उतारेंगे, तो 13 एकम आपका हो गया 13, 12 में से 3 जाएगा 9, फिर आपने उतारा 13, फिर क्या हो गया 13 सत्ते 91, अभी कितना बचा आपका 2 बचा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 11 से जब आपने भाग दिया तो शेषफल बचा आपका 1 और यहाँ शेषफल बचा आपका 2, तो 1 और 2 का योगफल कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका योगफल 3 हो जाएगा। तो एक तरीका इसका ये हो गया, ठीक है, एक तरीका इसका आपका ये हो गया, तो 1 में और 2 दोनों के जो शेषफल है उनका योगफल 3 हो गया, यानी इसके 12वें का ऑप्शन नंबर ए क्या हो सही है। चलिए 12 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या है आपका, 6 का स्थानीय मान और 4 के अंकित मान में, तो खुद करिएगा तो आसान क्वेश्चन है, 6 का स्थानीय मान और 4 का अंकित मान में अंतर, अंकित मान मतलब लिखित मान, समझ, जातीय मान, अंकित मान या जातीय मान एक ही बात होता है। फिर देखिएगा 110111 को 11 से भाग देने पर प्राप्त भागफल व शेषफल का योगफल, तो देखते हैं 14वां देख लेते हैं, 110111 ये है हमको भाग किससे देना है 11 से, तो 11 एकम 11 ये कट गया, जीरो उतारेंगे, ठीक है, भाग नहीं जाएगा तो यहाँ भी जीरो उतारेंगे, फिर यहाँ 1 उतार जाएगा, फिर भाग नहीं जाएगा, फिर जीरो उतार करके 1 बढ़ाएंगे, तो 11 एकम कितना हो गया 11 कट गया, अब 1 बढ़ाएंगे 1 उतारेंगे तो भाग नहीं जाएगा, तो भाग नहीं जाएगा तो यहाँ फिर से क्या बढ़ाना पड़ेगा हमको, जीरो बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, जीरो बढ़ाना पड़ेगा। तो अभी क्या कर रहा है, भागफल व शेषफल का योगफल, तो भागफल भागफल हमारा कितना आ गया, ये आपका आ गया 10010 और शेषफल हमारा कितना आ गया 1, जोड़ दीजिए दोनों को तो 10011 10011, कौन सा ऑप्शन सही है, पहला वाला ऑप्शन सही है, ए वाला ऑप्शन हमारा क्या बिल्कुल सही है। फिर 15वां क्वेश्चन देखिएगा, 102 × 201 में से क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए कि इसका मान जो है 19999 हो जाए, तो पहले तो आप इनका गुणा कर दीजिए, ठीक है, तो गुणा करने का तरीका इसका क्या हो सकता है, देखिए दो तरीका है, इसको हम लिख सकते हैं 100 × 2 × 201, अब गुणा करिए 201000 दो एक कम दो, दो दूना चार, अब इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 2, ये हो गया 0 और यहाँ पे आपका हो गया 4 और ये कितना हो गया 5 और 20। ये गुणा करने का तरीका क्या है कि जैसे कई बार हमको गुणा करने में अगर दिक्कत होता है तो हम तोड़कर भी गुणा कर सकते हैं, जैसे 102 को हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 102 को हमने क्या लिख दिया 100 × 2 और गुणे 201 हो गया, तो 201 का गुणा 100 में करेंगे तो 201 के आगे 2 जीरो बढ़ जाएगा, 201 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ पे 2 एक कम 2 0, 2 दूना 4 402 हो गया, अब इसको जोड़ दीजिए तो यहाँ पे 20 और 100 में अब 402 को ऐड करोगे तो 2 0 और 4 1 5 और ये हो गया 20502 हो गया। अब इसमें से क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए, तो 20502 में से क्या घटाया जाए कि कितना हो जाए 19999 हो जाए, तो आप 19999 को ही घटा दीजिए, तो देखो 12 में से 9000 कितना बचेगा 3, ठीक है, कहाँ से लिया यहाँ पे 10 बार, ये कहाँ से लाया 12 में से 9000 3, यहाँ कितना बचेगा 9, 9 में से 9 जाएगा कितना हो गया 0, यहाँ पे आप एक हासिल लोगे तो 14 में बचेगा, 14 में से 9 जाएगा कितना हो गया 5, 9 में से 9 जाएगा 0, यानी आंसर कितना आ गया 503। देखिएगा आंसर हमारा कौन सा सही है, बी वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये तो रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 है 6251 में 6521 में और 5621 में 5 के स्थानीय मान का योगफल, तो इसमें 5 का स्थानीय मान कितना है 50 है, इसमें कितना है 500 है, इसमें कितना है 5000 है, तो तीनों जोड़ देंगे तो कितना होगा 5550, बिल्कुल कई, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। 17वां खुद लगाइएगा, 18वां भी आपको खुद लगाना है, 11 से भाग देना है, दोनों के प्राप्त शेषफलों का गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है, तो खुद लगा सकते हैं, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल, तो वही मैंने जो उसे बताया 19वां नंबर क्या है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना है 9999
और तीन अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कितना हो गया आपका 100। दोनों को योगफल निकालना है, जोड़ दीजिए 9 9 9 में एक जोड़ेंगे, 10 का शून्य आठ में एक, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 10,099। कौन सा ऑप्शन सही है? ये पहला वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। फिर बीसवा देखिएगा, बीसवा वाला सवाल मैंने अभी बताया कि आपको इसका गुणनफल निकालिए, दोनों का गुणनफल कर देंगे, यानी कि आपको करना क्या है 1109 और 505 का गुणा करिए, फिर जितना भी आता है उसमें से 50 50 और 50 इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। सिंपल सा क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, फिर जितना भी आएगा उसमें इतना माइनस कर देंगे, फिर जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है संख्या पद्धति के जो 20 प्रश्न थे उनका सॉल्यूशन हम लोगों ने देखा। फिर अगले चैप्टर का जो सेकंड पार्ट का जो सॉल्यूशन है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप सवाल लगाते रहे।